हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। और आज इस लेक्चर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, सीडीपी का, या बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का, या बाल मनोविज्ञान का। तो वर्तमान में जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो सीजी टेट हो, शिक्षक सहायक शिक्षक हो, छात्रावास अधीक्षक हो, सभी में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र जो है वो आपका शामिल है। टेट में शिक्षक भर्ती में ये 30 अंकों का है, और आपका हॉस्टल वार्डन में ये 10 अंकों का प्रश्न यहाँ से बनना है। तो आज की क्लास में हम पहले टॉपिक से जो है वो आपका अध्ययन शुरू कर रहे हैं, जो कि है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको वृद्धि या अभिवृद्धि एवं विकास जो है वो आपका कहा जाता है। अभी वर्तमान में ऐसी परिस्थिति बन गई है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो शिक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं, टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक सहायक शिक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं, कई लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं। अब उनके समक्ष जो है सीडीपी पढ़ने में दिक्कत ये आ रही है कि सब एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस है। बट अगर आप सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस करें तो ये सिलेबस आपका 2 कॉपी किया गया है सी टेट सेंट्रल टेट के सिलेबस से। इस सिलेबस का जो मेन निचोड़ है वो आप यदि पढ़ लेंगे तो ये हर एग्ज़ाम के लिए, जिसमें सीडीपी का वृहद हिस्सा या आपका सूक्ष्म हिस्सा हो, दोनों के लिए जो है आपका उपयोगी रहेगा। ठीक है, एक कुछ सिलेबस जो है मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले मैं रख देता हूँ यहाँ पे शिक्षक का जो है वो आपका सिलेबस है। तो शिक्षक भर्ती के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो इसको 3 यूनिट में बांट दिया गया है। बच्चे का विकास, उसके बाद समावेशी शिक्षा, सीखना एवं शिक्षण शास्त्र। बच्चे के विकास के अंतर्गत आपका हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट है, वृद्धि विकास है, बुद्धिमता है, भाषा है, जाति है, लिंग है, मूल्यांकन है। उसी प्रकार से यूनिट 2 में बहुत सारे जो है वो आपके टॉपिक हैं। उसके बाद आपका यूनिट 3 में जो है आपका लर्निंग है, सीखना अधिगम वगैरह है। ठीक, इसके बाद अगर आप सहायक शिक्षक को देखें तो इसी चीज़ों को थोड़ा सा खींच करके आपका यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। संज्ञानात्मक विकास हो गया, विकास के पहलू हो गए, कुछ जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, पियाजे के विचार वगैरह, इनको लिख दिया गया है। इसके बाद जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनको शामिल कर दिया गया है। टेट के सिलेबस में भी यही सारी चीज़ें 2 कॉपी जो है वो आपका की गई हैं, सीजी टेट की अगर हम बात करें तो। और छात्रावास शिक्षक में इसमें से आपका कुछ टॉपिक को जो है वहाँ पे सम्मिलित कर दिया गया है। लेकिन एक्चुअल सिलेबस जो आपको पढ़ना है क्रम से, वो सिलेबस ये है। ठीक है, ये सिलेबस आप अगर पढ़ लेंगे तो सारे एग्ज़ाम की जो आपकी तैयारी है वो एक साथ हो जाएगी। तो सीडीपी का मेन सिलेबस जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको जो है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, इतने टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं तो चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे शिक्षक हो, सीजी टेट पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक हो, चाहे केवी वगैरह का एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, आप यदि ये पढ़ लेंगे तो आपका सीडीपी से कोई भी क्वेश्चन बने, ठीक है, वो आपसे नहीं छूटेगा। एक समझ अच्छे से विकसित हो जाएगी, क्या क्या है टॉपिक, मेन टॉपिक। मैं उनके लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, जिनको सीडीपी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो यदि आप सीडीपी सिलेबस में अगर देखोगे तो सबसे पहला जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि एवं विकास। ठीक, उसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको, वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवंशिकता और आपका पर्यावरण। एक चीज़ आप और ध्यान रखें, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, या चाइल्ड साइकोलॉजी है, या बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, ये पूरे के पूरे टर्म्स का खेल है, पूरे के पूरे जो है आपका शब्दों का खेल है। शब्द आप इधर से उधर किए तो आपका आंसर जो है वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, जिसमें इसमें जितने भी आपको साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक मिलेंगे, अधिकांशतः आपको विदेशी मिलेंगे, और जितने भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, अच्छे अच्छे जो आपके रेफरेंस बुक मिलेंगे, वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, और बहुत सारे वर्ड एग्ज़ाम में भी जो है एज इट इज़ इंग्लिश में जो है वो आपके पूछ दिए जाते हैं। तो आपको हिंदी के साथ साथ ये प्रयास करना है कि इंग्लिश टर्म भी आप याद रखें, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन जो है सही होने की संभावना जो है वो आपका बढ़ जाए। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ना है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ठीक है, उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है, इनके विचारों के बारे में अध्ययन करना है, इनके प्रयोगों के बारे में जो है अध्ययन करना है, क्या क्या सिद्धांत इन्होंने दिए हैं वो आपको पढ़ना है। अब आप सिलेबस देखेंगे तो 2-4 नाम ही उसमें मिलते हैं, पियाजे का नाम मिल जाएगा,
कोहलर का नाम मिल जाएगा, लेकिन केवल ये दो तीन ही साइकोलॉजिस्ट आप पढ़ेंगे तो उसी से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। आप पुराने ओल्ड पेपर उठा करके देख लीजिए, सिलेबस में जिन मनोवैज्ञानिकों का नाम नहीं भी है उनके प्रयोगों के या उनके सिद्धांतों से भी प्रश्न जो है वो आपके बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट किए हैं इतने, अगर आप साइकोलॉजिस्ट पढ़ लेते हैं तो सफिशियंट है। जीन पियाजे के बारे में, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में आपको पढ़ना है, लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ना है, ठीक है, नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ना है, कोहलर के बारे में पढ़ना है, बी एफ स्किनर के बारे में पढ़ना है, थॉर्नडाइक के बारे में, सिगमंड फ्राइड के बारे में, अल्बर्ट बैंडूरा के बारे में, बेंजामिन ब्लूम के बारे में और जॉन बी वॉटसन के बारे में, ठीक है। ये इतने कम से कम तो आपको साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिकों के जो भी तर्क विचार सिद्धांत प्रयोग वगैरह हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अर्थात बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। ये भी आपको पढ़ना है। इसी सिलेबस को थोड़ा सा आपका श्रिंक करके, थोड़ा सा वाइड करके आपको अलग-अलग सिलेबस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। मेन सिलेबस आपका यही है। उसके बाद देखिए आगे सिलेबस में क्या है आपका, इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में पढ़ना है, लैंग्वेज एंड थॉट भाषा और विचार पढ़ना है, जेंडर लिंग पढ़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ना है अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता विभिन्नता पढ़ना है आपको, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन पढ़ना है, आकलन एवं मूल्यांकन, टीचिंग एंड लर्निंग आपको पढ़ना है, अधिगम एवं शिक्षण, अधिगम मतलब होता है आपका सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग पढ़ना है, अभिप्रेरणा और अधिगम आपको पढ़ना है, ठीक है, कॉग्निशन एंड इमोशंस संज्ञान और संवेग जो है वो आपको पढ़ना है, और एक आपको पढ़ना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली, ठीक है। इतना यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, लगभग जो है ये सारा टॉपिक आप पढ़ेंगे तो हो सकता है 40 के आसपास लगभग लेक्चर जाएंगे, या 40+ भी हो सकते हैं, अप्रॉक्स मैं लमसम आपको बता रहा हूँ। उतने लेक्चर्स में आपका स्कोरिंग काफ़ी हद तक जो है वो आपका बढ़ जाएगा। 30 नंबर का जो है वो आपका एरिया है शिक्षक सहायक शिक्षक में, उसमें आप अच्छा खासा स्कोर जो है वो आपका कर लेंगे, और छात्रावास अधीक्षक में भी जो है आपका जो 10 नंबर का एरिया है उसमें कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा हो गई। चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्रोथ एंड जो है वो आपका डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं जो है विकास, ठीक। तो आज के क्लास में हम विकास के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम बेसिकली जो है समझने वाले हैं किसको, जो हमारा पहला हिस्सा है ग्रोथ को, ठीक है। पहले ग्रोथ को समझेंगे, फिर उसके बाद डेवलपमेंट को समझेंगे, वृद्धि को समझेंगे और विकास को समझेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको देखना है, वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, या तुलनात्मक अध्ययन जो है वो कैसे करना है उसको अपने को देखना है, ठीक है। तो चलिए क्लास की जो है हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आपका अभिवृद्धि के बारे में और आपका विकास के बारे में। तो एक एक बार दोनों की परिभाषा मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, उसके बाद हम वृद्धि को डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें बेटा अभिवृद्धि या वृद्धि के बारे में, ग्रोथ क्या होता है। तो देखो क्या है, अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ठीक, पहले तो इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, उसके बाद हम अपने नोट से देखते हुए चलेंगे, ठीक। तो वृद्धि का सीधा साधा मतलब होता है किसी भी चीज का जो आपका आकार है वो आकार बढ़ना पहले की तुलना में, ठीक है। पहले की तुलना में किसी भी चीज का जब आपका आकार बढ़ रहा है तो वो वृद्धि कहलाएगा, ये सबसे सिंपल परिभाषा है, ठीक है। जो भी चीज आपको पहले से बढ़ी हुई दिखाई दे वो वृद्धि है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हैं, ठीक है, आपके घर कोई बच्चा आता है या आप किसी घर जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं अरे कितना ज्यादा जो है ये बड़ा दिखाई दे रहा है या मोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका आकार पहले की अपेक्षा जो है वो आपको बढ़ा हुआ दिखता है, ठीक है। आप बोलते हैं कि बेटा तू पहले से बड़ा हो गया है या तू पहले से मोटा हो गया है, इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में क्या हुई है, आपका वृद्धि हुई है। अर्थात यहाँ पे बात आती है शरीर का,
या बोलना चाहिए आपका बाह्य संरचना का, ठीक है। तो मानव शरीर में या मानव शरीर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, बाह्य संरचना में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं या आपका वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल परिभाषा अगर हम देखें कि वृद्धि को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, देख लीजिए वृद्धि का मतलब क्या होगा। जब हमारे शरीर का, ये वर्ड मेन है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। When our body structure or shape are starts growing, this is known as growth, ठीक है। जब हमारे शरीर की संरचना में परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चरल जो आपका बोलना चाहिए संरचनात्मक जो प्रकृति होती है वो बदलती है, जब शेप बदलता है, जब आकार बदलता है, उसी को क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। इसी वृद्धि टॉपिक से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इसको ध्यान समझिएगा। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, फिर वो आपका इन्फेंट, ठीक है, शैशवावस्था में आता है, टूडलर अवस्था में आता है, ठीक है, उसके बाद प्री स्कूल आपका अवस्था होती है, स्कूल एज होता है। तो मेन आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसकी शरीर की संरचना में क्या हो रहा है, आपका इसका शरीर का संरचना क्या हो रहा है, पहले की तुलना में क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो शरीर की संरचना जो है, या बोल सकते हैं शरीर का जो आपका आकार है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है, शरीर का जो आपका शेप है, वो जब बढ़ना शुरू होता है उसी को वृद्धि कहते हैं। इसीलिए शुरुआत में मैंने आपको एक सिंपल परिभाषा ये बताया कि जो भी चीज आपको पहले की तुलना में बढ़ी हुई दिखाई दे वृद्धि है वो, ठीक है। तो ये वृद्धि की परिभाषा आप समझ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। हालांकि आज के क्लास में हमको वृद्धि ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैं विकास की परिभाषा से भी आपको अवगत करा देता हूँ, क्योंकि एट द एंड हमको ये देखना है वृद्धि वर्सेस विकास, ये मेन आपको अध्ययन करना है। तो थोड़ा सा विकास का परिभाषा आप समझ लो कि भाई विकास या डेवलपमेंट किसे कहा जाता है। तो विकास की परिभाषा ये होती है कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, बौद्धिक पक्षों में क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, तो उसे क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। जब हमारे आपका मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल पैटर्न में मैच्योरिटी देखने को मिलती है, तब उसको हम विकास कहते हैं। केवल शरीर का जब ग्रोथ होता है ना, तो वो वृद्धि है, ठीक है। पहले हाइट जो है मान लो 1 फीट था, 2 फीट हो गया, 3 फीट हो गया, 4 फीट हो गया, 5 फीट हो गया, 6 फीट हो गया, हाइट में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, शरीर में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, शरीर की चौड़ाई बढ़ गई, शरीर की मोटाई बढ़ गई। लेकिन जब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है, आपकी बुद्धि का विकास होता है, आप में भावनाएं आती हैं, आप में संवेग आता है, ठीक है, आप परिवार क्या है उसको समझते हैं, समाज क्या है उसको समझते हैं, आप में क्रिएटिविटी आती है, आप लिखना, पढ़ना, गाना, खेलना, पेंटिंग करना, भावनाओं को समझना, ठीक है, नफरत, प्यार, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जब आप सीखते जाते हैं, इन पैटर्न में जब आपका मैच्योरिटी आती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका विकास कहलाता है। तो विकास का सीधा सीधा मतलब है आपका ये IQ लेवल, और वृद्धि का मतलब है सीधा सीधा शरीर, ठीक है, अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो, ठीक है। तो विकास का मतलब क्या हो गया, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, तो उसे विकास कहते हैं। देखो वृद्धि और विकास का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम आगामी लेक्चर्स में जो है वो आपका प्रूफ करेंगे, समझेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मोटा है इसका मतलब ये नहीं, अगर कोई व्यक्ति मान लो आपका 10 किलो से बढ़ करके 20 किलो हो गया तो उसका IQ लेवल भी बढ़ जाएगा, ये जरूरी है क्या, नहीं। किसी बच्चे का हाइट अगर बढ़ गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई बच्चा मान लो मेरे हाइट का है तो उसका IQ लेवल मेरे बराबर ही होगा, ठीक है। तो शारीरिक जो आपका संरचना में परिवर्तन हो रहा है वो आपका वृद्धि है, लेकिन आपका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक मैच्योरिटी जब आप में आ रही है, इंटेलेक्चुअल जब मैच्योरिटी आप में आ रही है, तो वो क्या है, आपका विकास है। जैसे साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटी होगी, है ना, क्रिएटिव एक्टिविटी जब वो करना सीख जाते हैं,
फिजिकल एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्टिविटी जब वो करना सीख जाते हैं, इनमें जब आपका परिपक्वता आती है, इनका जब आपका ग्रोथ होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। तो वृद्धि और विकास में आप बेसिक डिफरेंस पहले आप समझ लिए हैं, ठीक है, कि शरीर की संरचना आकार में जब आपका बढ़ोतरी होती तो वृद्धि है, जबकि मानसिक, तार्किक, सामाजिक इनमें जब आपका परिपक्वता आती है व्यक्ति के, तो वो क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। ठीक है, अब हम जो वृद्धि है उसको आज के क्लास में डिटेल समझते हैं, वृद्धि के क्या क्या लक्षण होते हैं, वृद्धि से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद आगामी लेक्चर में हम विकास को समझेंगे और आगामी लेक्चर में हम वृद्धि और विकास दोनों का तुलना भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से हम वृद्धि की ओर जो है आपका आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वृद्धि की परिभाषा तो मैंने आपको बता दिया है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसको जो है वो आपका वृद्धि कहते हैं। अब इसके मेन मेन पॉइंट को हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं वृद्धि के बारे में, कि वृद्धि का जो आपका स्वरूप होता है वो कैसा होता है? बाह्य होता है। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। ग्रोथ हमेशा कैसा होता है? आपका बाह्य होता है। अब इसका मतलब क्या होता है ग्रोथ बाह्य होता है? ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि हमारे शरीर की जो आपकी वृद्धि होती है वो बाह्य रूप में दिखाई देती है। ठीक, जैसे इमेज के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक बच्ची है, फिर उसके बाद इसकी वृद्धि आपको दिखाई दे रही है। ठीक, इस बच्ची का हाथ, इस बच्ची का पैर, इसके आँख, इसके नाक, इसके कान, अर्थात जितने भी आपके बाह्य स्वरूप हैं उनमें क्या होता है? आपका ग्रोथ होता है, या बोल सकते हैं शरीर की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, शरीर की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, शरीर की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, इन सभी में परिवर्तन होना, ये कौन सा स्वरूप है? ये तो एक्सटर्नल है ना। कैसा होता है वृद्धि का स्वरूप? आपका बाह्य होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद जो है वो आपका रुक जाती है। वृद्धि का दूसरा लक्षण ये है कि वृद्धि कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो आपका वृद्धि होना क्या हो जाता है? रुक जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये मान लो मैच्योरिटी का मेन अवस्था है। ठीक, एक समय तक जो है क्या बढ़ा? आपका लंबाई में जो है वो आपका वृद्धि हुआ, एक समय तक जो है वो आपका चौड़ाई में जो है वो आपका वृद्धि हुआ, फिर जब आप मैच्योर हो जाते हैं, प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपका वृद्धि होना क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है सर, ये वृद्धि इधर डाउन हो रही है, ऐसा नहीं है, वृद्धि कभी डाउन नहीं होती ना, ये वृद्धावस्था अलग चीज है। एक और वर्ड में यहाँ पे मैं आपको इंगित कर दे रहा हूँ, जब भी आपको पूछे कि वृद्धि की प्रकृति कैसी होती है, हमेशा आप उत्तर लेना कि वृद्धि की प्रकृति जो है वो आपका सकारात्मक होती है, वृद्धि की प्रकृति जो है वो आपका पॉजिटिव होती है। यहाँ से ये मत समझ लेना कि भाई बूढ़े होने के बाद फिर से हम झुकने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, मांसपेशियाँ शिथिल होने लगती हैं, ये ऐसा नेगेटिव फॉल नहीं है। वृद्धि हमेशा जो है वो आपका पॉजिटिव नेचर का होता है, वृद्धि की प्रकृति हमेशा क्या होती है? सकारात्मक होती है। हाँ, ये एक चीज वृद्धि के बारे में फैक्ट है कि वृद्धि कुछ समय के बाद जो है रुक जाती है, हमारे शरीर की लंबाई चौड़ाई जो है वो आगे बढ़ना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इससे एक निष्कर्ष और निकलता है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है मतलब वृद्धि जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में ऑप्शन के रूप में आपका रहते हैं, निम्न में से क्या सही है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। तो वृद्धि एक सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो क्या दो चीजें आपने यहाँ पे वृद्धि के बारे में देखी? पहला देखा कि ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल होता है, वृद्धि हमेशा बाह्य स्वरूप होता है, और वृद्धि एक सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वृद्धि एक समय के बाद जो है वो आपका रुक जाती है।
आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम वृद्धि के और लक्षणों पे बात करते हैं। अगला पॉइंट यहां भी लिखा हुआ है, देखिए वृद्धि के बारे में, कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। अभी मैंने बताया था कि ग्रोथ इज नॉट अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, वृद्धि आपका क्रम के अनुसार नहीं चलती है, या बोलना चाहिए इसमें सही मतलब कहना चाहिए कि आपका वृद्धि जो है एक निश्चित अवस्था के बाद जो है आपका रुक जाती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्रम से चलने वाली प्रक्रिया जो है आपका नहीं है। इसमें एक चीज आपको और समझना है कि कभी हमारी जो है वो आपका लंबाई बढ़ती है, तो कभी हमारा जो है वो आपका भार बढ़ता है, कभी हमारा चौड़ाई बढ़ता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि पहले जो है वो आपका लंबाई ही बढ़ेगा या पहले जो है केवल भार ही बढ़ेगा। ठीक है, कभी हमारा लंबाई बढ़ जाता है किसी उम्र में, कभी हमारा जो है वो आपका भार बढ़ जाता है, तो इसका कोई एक निश्चित प्रोसेस, सिक्वेंशियल प्रोसेस या निश्चित क्रम नहीं है। ठीक है, एक अवस्था के बाद रुक जाती है तो पता ही है। साथ ही साथ जो वृद्धि के अलग अलग बाह्य रूप हैं, चाहे वो लंबाई हो गया, अर्थात चाहे आपका हाइट हो गया, चाहे वो भार हो गया, वेट हो गया, ठीक है, पहले हाइट आएगा या वेट आएगा ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर, बच्चे के पालन पोषण के ऊपर, खान पान के ऊपर भी जो है वो आपका डिपेंड करता है, साथ ही साथ वो हेरिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, अनुवांशिकता के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिसके माँ बाप जो है कम हाइट के रहते हैं, अधिकांशतः बच्चों की हाइट भी कम होती है, कुछ अपवाद को छोड़ करके, माँ बाप अगर लंबे हैं तो बच्चों की हाइट भी लंबे होती है, माँ बाप हेल्दी हैं या उनके फैमिली में दादा दादी कोई हेल्दी हैं तो बच्चे हेल्दी हो जाते हैं, तो अनुवांशिकता हेरिडिटी का भी जो है वो प्रभाव पड़ता है, पालन पोषण का, आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। मान लो कोई बच्चा गरीब परिवार में जन्मा है तो गरीब परिवार के बच्चे को सही न्यूट्रिशन, सही पोषण नहीं मिल पाता, तो जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ एक आपका सामान्य बच्चे की तुलना में थोड़ा सा प्रभावित तो होगा ही होगा। हालांकि सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, पूरक पोषण अभियान वगैरह चलाया जाता है, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो तो है। ठीक है, तो वृद्धि ग्रोथ इज नॉट अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, क्रम से चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्रम के अनुसार नहीं चलती है, कभी लंबाई बढ़ सकता है, कभी भार बढ़ सकता है, लंबाई भार मैंने बता दिया हेरिडिटी के ऊपर, अनुवांशिकता के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस उसके एनवायरनमेंट अर्थात उसके इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है उसके परिवार के। ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक, वृद्धि दिशाहीन होती है। ठीक, वृद्धि दिशाहीन होती है, किसी भी दिशा में हो सकती है। ठीक है, कभी जो है आपके पेट से ऊपर का हिस्सा जो है बढ़ सकता है, कभी पैर लंबे हो सकते हैं, कभी हाथ लंबे हो सकते हैं, कभी गर्दन लंबी हो सकती है, तो वृद्धि का कोई फिक्स जो है वो आपका बोलना चाहिए क्राइटेरिया नहीं है। हर बच्चे में, हर चाइल्ड में ये अलग अलग तरीके से जो है कार्य करता है, हर बच्चे की जो वृद्धि होती है वो अलग तरीके से होती है। आप खास करके इसको बॉय और गर्ल में देख सकते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं उतना तो पता ही है आपको कि गर्ल्स जो है वो बॉय की तुलना में जल्दी मेच्योर हो जाते हैं। सेम एज की गर्ल्स जो है और सेम एज का बॉय रहेगा तो गर्ल्स जो है वो बॉय की तुलना में जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ जल्दी आ जाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण उनमें जल्दी आ जाते हैं। तो वृद्धि हर बच्चे में अलग अलग प्रकृति प्रकार से होती है, इसीलिए वृद्धि को क्या कहा गया है, आपका दिशाहीन कहा गया है। तो दो पॉइंट यहाँ पे आप वृद्धि के बारे में और याद रख लीजिए। एक पॉइंट मैंने क्या बताया कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, कभी लंबाई बढ़ सकता है मतलब हाइट बढ़ सकता है, कभी भार बढ़ सकता है। दूसरा, ये कैसी होती है, दिशाहीन होती है, कोई इसका फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो आपका वृद्धि हो सकता है। ठीक, अगले बिंदु पे चलते हैं, वृद्धि के और क्या क्या जो है वो आपके लक्षण हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वृद्धि का जो आपका मापन है, मेजरमेंट है, हम कर सकते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, जैसे हम भार को, लंबाई को माप सकते हैं। ठीक है, हम बता सकते हैं कि ये बच्चा 9 किलो का है या ये बच्चा जो है आपका 11 किलो का है। हम बता सकते हैं कि इस बच्चे की हाइट जो है वो आपका 1.5 फीट है, या हम बता सकते हैं कि इस बच्चे की हाइट जो है वो आपका 2 फीट है, 2.5 फीट है, 3 फीट है। मान लो मैं 6 फीट का हूँ, मेरा वजन 81 किलो है। ठीक है, तो
हमने लंबाई को मेजर कर लिया फीट के माध्यम से, हमने वेट को मेजर कर लिया किलोग्राम के माध्यम से। इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि जो है वो आपका मेजर की जा सकती है, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, चाहे वो हाइट का हो, चाहे आपका वेट का हो, चाहे आपका BMI हो, बॉडी मास इंडेक्स भी कहा जाता है। अब ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको इसके बारे में जो है हम डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये तो याद रखने वाला चीज़ है ही नहीं, ये कॉमन चीज़ है कि वृद्धि का मेजरमेंट जो है वो आपका किया जा सकता है। अब चूंकि वृद्धि का मेजरमेंट किया जा सकता है, तो इसके एक और गुण निकल करके आते हैं कि वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। क्या बोल सकते हो, वृद्धि परिमाणात्मक होती है या वृद्धि मात्रात्मक होती है? ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव, ठीक है। मतलब परिमाण आप बता सकते हो ना, इस बच्चे का भार आप कितना बोल रहे हो, 9 किलो है, मतलब 9 किलो उसका क्या है, परिमाण हो गया। हाइट कितना है, तो हम बोल रहे हैं कि बच्चे का हाइट 3 फीट है, तो 3 फीट क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब वो फीट में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, ठीक है। चाहे जो आपका वेट है वो किलोग्राम में हो, ग्राम में हो, या फिर पौंड में हो, जैसा भी हो, ठीक। तो चूंकि वृद्धि जो है आपका उसका मापन किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है वृद्धि मात्रात्मक है, वृद्धि परिमाणात्मक है, ठीक है, क्वांटिटेटिव वैल्यू है, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है हम उसको क्वांटिटी के रूप में, परिमाण के रूप में, मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, चाहे हाइट को चाहे वेट को, ठीक है। तो वृद्धि के ये दो प्रमुख लक्षण हो गए कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, और वृद्धि का जो आपका प्रकृति होता है वो कैसा होता है, मात्रात्मक होता है या परिमाणात्मक होता है या क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक। और वृद्धि के क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं भाई? देखो, साइंस आप पढ़ते हैं, आप सभी को पता है कि जो भी आपके जीव हैं, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी जीवधारी हो, ठीक है, हमारे शरीर की जो आपकी मूल इकाई होती है वो होती है कोशिकाएं। कोशिकाओं में विभाजन होता है, कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो चाहे आपका ब्रेन हो, बोन हो, लंग हो, ब्लड हो, हार्ट हो, मसल्स हो, पेनक्रियाज हो, किडनी हो, आपका स्पर्म हो, आपका लीवर हो, जितने भी आपके ऑर्गन हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है, उनका जो आपका विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो किस पे आधारित है? सेल्स या कोशिकाओं पर आधारित है। तो वृद्धि हमेशा जो होती है सेल्स पर, कोशिकाओं पर आधारित होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती है। मैंने बताया कोशिका ऊतक बनाएंगे, ऊतक अंग बनाएंगे, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाएंगे, अंग तंत्र मिलकर के पूरा का पूरा शरीर बनाएंगे, ठीक है। तो अब इससे देखो कई प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है, अलग प्रकार से पूछ देगा। अब मैंने तो ये कह दिया कि वृद्धि जो है वो कोशिकाओं पर आधारित है, तो इससे आप ये निष्कर्ष निकालना कि जो वृद्धि होती है ना बेटा, यह एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। वृद्धि कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि वृद्धि एक दैहिक प्रक्रिया है, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलें तो वृद्धि कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। या वृद्धि कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, या कैसा प्रोसेस है आपका? फिजिकल प्रोसेस है। ये चीज भी याद रखना, जो वृद्धि होती है वो कोशिकाओं पर आधारित होती है, अर्थात वृद्धि जो होती है वह एक जैविक प्रक्रिया है या फिर आपका दैहिक प्रक्रिया है। अब जैविक या दैहिक वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि वृद्धि में जो शरीर होता है, इस शरीर की संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है, शरीर के स्ट्रक्चर में, शरीर के शेप में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहां पे एक वर्ड और आ गया कि वृद्धि जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है, संरचनात्मक प्रक्रिया है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि CDP में पूरा का पूरा जो खेल है वर्ड्स का है, शब्दों का है। वृद्धि जैविक प्रक्रिया है, सही। वृद्धि दैहिक प्रक्रिया है, सही।
वृद्धि संरचनात्मक प्रक्रिया है, सही। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, सही। वृद्धि एक निश्चित अवस्था के बाद रुक जाती है, सही। वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, सही। वृद्धि मात्रात्मक या परिणात्मक या क्वांटिटेटिव होती है, सही। यही सब चीज़ तो ऑप्शन में रहते हैं ना, ठीक है। अंतिम में सबको हम रिविजन कर लेंगे जो जो चीज़ हमने आपका पढ़ा। तो इस चीज़ को आप याद रखना कि वृद्धि जो है कोशिकाओं पर आधारित होती है, जैविक दैहिक संरचनात्मक प्रक्रिया है, स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, राइट, ठीक है। अब और भी कुछ कुछ लक्षण हैं वृद्धि के, उसको जो है हम आपका देखेंगे आगे। अब देखिए अगला लक्षण क्या है कि वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं कि वृद्धि होने से विकास होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई आदमी आपका मोटा हो रहा है, पहले मान लो कोई व्यक्ति जो है वो आपका सपोज 50 kg का था, ठीक है। उसके बाद उसका वेट जो है 10 kg बढ़ गया, 60 kg का हो गया। तो जब कोई आदमी मोटा हो रहा है मतलब उसकी शरीर की संरचना में परिवर्तन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मोटा हो रहा है या उसकी शरीर की वृद्धि हो रही है तो उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, उसका IQ लेवल भी बढ़े, उसका बुद्धि भी बढ़े। व्यक्ति 50 kg से 60 kg हो गया, उसमें वृद्धि जरूर हो गई, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसका मानसिक विकास हुआ है या उसका IQ लेवल बढ़ा है। बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, ठीक है। सपोज कि एक बच्चा है, उसका जो आपका वेट है वो पहले जो है वो आपका 5 kg था जब वो 6 महीने का था। जब वो साल भर का हुआ या 1.5 साल का हुआ तो साल भर में, 1.5 साल में या साल भर में बोल सकते हैं उसके ग्रोथ जस्ट डबल हो गया, वो 10 kg का हो गया। तो उस बच्चे में जो है IQ लेवल भी बढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन हर बच्चे में ऐसा होगा कि जरूरी नहीं है, ठीक है। थोड़े मैच्योर की अगर हम बात करें, बड़ा बच्चा है, वयस्क टाइप का है, 50 kg 60 kg हो गया, तो वृद्धि तो शरीर की जरूर हुई है, लेकिन क्या IQ लेवल भी बढ़ेगा इसकी गारंटी है? नहीं। बढ़ भी सकता है आपका, नहीं भी। इसीलिए कहा गया है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसका हाइट बढ़े या उसका वेट बढ़े तो उसका IQ लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखना कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक। इसके बाद कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको और बताते हुए चल रहा हूं जो एग्जाम में जो है डायरेक्ट रूप से जो है आपके पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ऑप्शन में जो है वो आपके पूछे जाते हैं। क्या क्या चीजें जो है वो आपको याद रखनी है? सबसे पहले बेटा मैं वृद्धि के बारे में कुछ पॉइंट आपको और बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप याद रखना कि जो वृद्धि होती है वो व्यक्ति या बोल सकते हो परिवार की क्षमता या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करती है, है ना। कैसे? जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि मान लो कोई आपका पुअर फैमिली है, कोई आपका गरीब परिवार है, ठीक है। अब इस गरीब परिवार में उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस परिवार में जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसका जो सही तरीके से पालन पोषण होना चाहिए, वो तो नहीं हो पाएगा। जब इस बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर उसका पालन पोषण नहीं हो पाएगा, तो उसकी ग्रोथ जो है बाकी बच्चों की तुलना में क्या होगी? जाहिर सी बात है कम होगी। तो प्रभावित कर रहा है व्यक्ति की क्षमता, परिवार की आर्थिक स्थिति जो है आपका, बच्चे की ग्रोथ पर जो है वो आपका असर डालता है। हालांकि मैंने कहा था कि इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, पूरक पोषण अभियान जो है वो आपका चलाया जाता है, और भी बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं, ठीक है, महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा, लेकिन ये चीज सत्य है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होता है, ठीक है, जो ग्रोथ या वृद्धि होता है, इस पर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। अब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है?
हेरिडिटी मतलब क्या होता है? अनुवंशिकता, अनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि बच्चे की जो पीढ़ी है जैसे रहेगी वैसे ही आपका बच्चा होगा। हो सकता है माता पिता दादा दादी जो है आपके हष्ट पुष्ट हेल्दी हो तो बच्चा भी जो है हेल्दी होता है। ठीक है, हरियाणा के बच्चों को देख लो, पंजाब के बच्चों को देख लो, उनके जीन में ही वैसा है। ठीक है, अगर किसी के माँ बाप में कोई दिक्कत थी या थोड़े से आपका शरीर जो है वो आपका कम विकसित रहा होगा, पतले दुबले रहे होंगे, हाइट कम रहेंगे, तो 99% प्रोबेबिलिटी रहती है कि बच्चा भी वैसा होगा। अब 1% अपवाद को छोड़ दो, तो हेरिडिटी या अनुवांशिकता का वृद्धि पे जरूर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंट से मेरा आशा पर्यावरण से नहीं है, उसका तो प्रभाव पड़ेगा थोड़ा बहुत, दूषित पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट से मेरा आशय है उसका पालन पोषण किस प्रकार से हो रहा है, परिवार में बच्चे को खान पान किस प्रकार से दिया जा रहा है, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर भी वृद्धि जो है वो आपका डिपेंड करती है। साथ ही एक पॉइंट जो मैंने बताया था वो आप हमेशा याद रखेंगे कि वृद्धि की जो प्रकृति होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वृद्धि की प्रकृति जो होती है वो आपका सकारात्मक होती है। एक समय के बाद भले ही वृद्धि रुक जाती है उसके बाद नकारात्मक होती है, ऐसा मत बोलना। एक समय के बाद वृद्धि जरूर रुक जाती है, लेकिन वृद्धि की ऑल ओवर जो आपका नेचर होता है वो किस नेचर का होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। वृद्धि की प्रकृति कैसी होती है? आपका सकारात्मक होती है। ठीक है, ये वृद्धि से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि व्यक्ति की क्षमता, उसकी आर्थिक स्थिति पर भी जो है आपका वृद्धि जो है आपका डिपेंड करती है, हेरिडिटी अर्थात अनुवंशिकता, और पर्यावरण पर भी, उसके लालन पालन पर भी जो है डिपेंड करता है, और वृद्धि की प्रकृति हमेशा क्या होती है? सकारात्मक होती है। अब वृद्धि से रिलेटेड हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम वृद्धि की अलग अलग अवस्थाएं पढ़ेंगे, गर्भावस्था, शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पश्च बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वो सब हम डिटेल से आगे हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा वो वृद्धि से जुड़ा हुआ है इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ। पूरा डिटेल में तो अभी मैं वृद्धि की अवस्था जो है वो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ग्रोथ स्टेजेस में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा आपके सामने चर्चा करता हूँ। देखिए, वृद्धि की जो सबसे, अगर हम प्रारंभिक अवस्था जो है अगर देखें तो वो इन्फेंट होता है, इन्फेंसी स्टेज जो है इसको कहा जाता है। हिंदी में अगर हम कहें इसको तो इसको शैशवावस्था कहा जाता है। ठीक है, शैशवावस्था कहा जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको आरंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। इसके अलग अलग कई प्रकार हैं। अभी एक सिंपल जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उसके लिए थोड़ा सा मैं इसको लिख दूँ पहले, आरंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड आता है, मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था, कई जगह आपको ये मध्य स्किप कर देगा, डायरेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड दे दिया रहता है, पश्च बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, पश्च बाल्यावस्था। ठीक है, उसके बाद किशोरावस्था जो है आ जाती है, ठीक है, जिसको एडोलसेंस स्टेज कहते हैं, किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था वगैरह आता है, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वृद्धि का जो ग्राफ बनता है ना, हम आगे पढ़ेंगे, वृद्धि का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसा ऐसा ऐसा। पहले वृद्धि जो है वो तेजी से होती है, फिर बीच में वृद्धि जो है वो आपका रुक जाती है, एक बोल सकते हैं एक पठारी अवस्था आती है, प्लेटियो स्टेज आता है जिसमें वृद्धि रुक जाती है, फिर
फिर उसके बाद वृद्धि तेजी से होती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, फिर जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे, वृद्धि की अलग अलग अवस्थाएं पढ़ेंगे, वहां पे और डिटेल से बात करेंगे, बकायदा एज के साथ लक्षणों के साथ वहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें वृद्धि बहुत तेजी से होता है, वेरी रैपिड ग्रोथ होता है, बहुत तेजी से क्या होता है आपका बच्चे की जो है वृद्धि होती है। आपने देखा होगा है ना, बच्चा 15 दिन का है, 30 दिन का जो आपका जब आपका होता है, जस्ट वेट डबल हो जाता है 1 महीने में, फिर उसके बाद अगले महीने 2-3 महीने में आप देखोगे बच्चा काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जो शैशवावस्था होता है, शुरुआती अवस्था होती है, उसमें वृद्धि बहुत तेज गति से होता है। उसके बाद आरंभिक बाल्यावस्था में इसकी तुलना में वृद्धि जो है वो अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको वेरी रैपिड ना बोल करके आप क्या बोल सकते हो, रैपिड बोल सकते हो। मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था में अपेक्षाकृत जो है वो आपका और कम हो जाता है, और जहाँ लेटर चाइल्डहुड में पहुँचता है, पश्च बाल्यावस्था में पहुँचता है, मोटा मोटा मान लो ये 10-11 साल की स्टेज होती है, इसमें वृद्धि अचानक से रुक सी जाती है। 10-12 साल का बच्चा देखना, उसका जो आपका स्टेज होता है लगभग साल भर, उसमें कोई वृद्धि दिखाई नहीं देती, ना हाइट में ना हेल्थ में, ठीक है। तो इस अवस्था को पठारी अवस्था कहते हैं, प्लेट्यू स्टेज जो है वो आपका कहलाता है, जिसमें वृद्धि रुक सी जाती है, एकदम रुक नहीं जाती लेकिन लगभग मान सकते हो वृद्धि जो है आपका रुक सी जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इस एज गैप को वो पार करता है और एडोलसेंस स्टेज किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वैसे ही बच्चे के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं लड़कियों में, लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो आपके आते हैं, ठीक है। लड़कियों में जो है वो आपका कहना चाहिए जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और जो है ब्रेस्ट का जो है विकास हो जाता है, लड़कों के आवाज़ जो है भारी हो जाते हैं, दाढ़ी मूछ जो है इनके निकल आते हैं, और आप देखना अचानक से जो आपका 13-14 वर्ष का उम्र का जो आपका बच्चा रहता है वो तेज़ी से ग्रो करता है। और मैंने कुछ देर पहले बताया था कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की तुलना में, सेम एज की लड़कियां सेम एज के लड़कों की तुलना में जल्दी जो है वो आपका मैच्योर हो जाती हैं। तो जो आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं, और जो ये पठारी अवस्था बीच में ही थी उससे आगे बढ़ करके फिर से तेजी से जो है वो आपका ग्रोथ होने लगता है किशोरावस्था में। मेन कारण क्या है आपका, हार्मोनल चेंजेस है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जो है वो आपका आना है। तो फिर से इस अवस्था में वृद्धि बहुत तेज होती है, फिर से वेरी रैपिड, ठीक है। जैसे शैशवावस्था में बहुत तेज हुआ था, वैसे फिर से यहाँ पे ग्राफ जो है वो सीधे जो है वो आपका चढ़ने लगता है, ठीक है। और चूंकि इस किशोरावस्था में वृद्धि बहुत तेजी से होती है, इसीलिए इस जो आपका अवस्था है उसको एक विशेष नाम दिया गया है, इसको ग्रोथ स्पर्ट कहा जाता है, ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रोथ स्पर्ट कौन सी अवस्था है, तो ये एडोलसेंस स्टेज है, किशोरावस्था वाली जो स्थिति है उसमें बड़ी तेजी के साथ जो है वो आपका वृद्धि होती है हार्मोनल चेंजेस और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के कारण, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो आज के लेक्चर में हमने जो है वृद्धि और विकास की सामान्य परिभाषाओं को जो है वो आपका समझा, एक क्विक रिविजन जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि वृद्धि की परिभाषा क्या होती है। तो वृद्धि की परिभाषा होती है जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसको वृद्धि कहते हैं। मेन आपको शरीर की संरचना और आकार वर्ड को याद रखना है। फिर हमने जो है इसमें देखा वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। फिर हमने ये समझा कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उसके बाद हमने देखा कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, ग्रोथ इज नॉट अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है कभी हमारा भार बढ़ता है, वृद्धि दिशाहीन होती है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा जो आपका वृद्धि है उसका हम मापन कर सकते हैं, हम भार को लंबाई को माप सकते हैं, इसीलिए वृद्धि केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है, हम इसको केजी में हाइट में जो है वो आपका मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो वृद्धि होती है वह एक जैविक प्रक्रिया है, दैहिक प्रक्रिया, संरचनात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि जो है आपका कोशिकाओं पर क्या होती है आधारित होती है। उसके बाद मैंने
आपका ये बताया कि जरूरी नहीं कि जब वृद्धि हो तो आपका विकास भी हो, ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो उसका आईक्यू लेवल भी बढ़े, ये जरूरी नहीं। तो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और आपका नहीं भी, ठीक है। उसके बाद हमने जो है कुछ पॉइंट और देखे कि वृद्धि परिवार व्यक्ति की जो है आर्थिक स्थिति क्षमता पर भी डिपेंड करता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण अर्थात उसके पालन पोषण पर भी डिपेंड करता है, और वृद्धि की प्रकृति हमेशा कैसी होती है, सकारात्मक होती है। फिर वृद्धि की अवस्था के बारे में थोड़ा सा मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा किया, हालांकि बाद में हम इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अंतिम में मैं आपको बता दूं कि जो छात्र जो है आपका हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक का ऑनलाइन कोर्स अभी चल रहा है, जिसमें जो है आपका फर्स्ट 50 स्टूडेंट को जो है वो डिस्काउंट दिया गया था, 50 सीट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसको बढ़ा करके नेक्स्ट 50 अर्थात 100 स्टूडेंट के लिए जो है आपका बढ़ा दिया गया है। तो इसकी एक्चुअल फीस है लगभग 8,000 रुपये, जिसमें आपका 3,000 डिस्काउंट करके ये आपका कोर्स अवेलेबल है वर्तमान में 4,990 रुपये में। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप उसमें हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और डिटेल जानकारी आप मैनेजर से ले सकते हैं। इसके अलावा आपका शिक्षक भर्ती, सीजी टेट के अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोर्स अवेलेबल हैं, सीजी टेट पेपर 1 का, पेपर 2 का, पेपर 1 2 दोनों का, टेट प्लस शिक्षक का, सहायक शिक्षक का, शिक्षक सहायक शिक्षक कॉम्बो पैक, ये सारा चीज़ जो है वो आपका अवेलेबल है। इन सभी के बारे में जानकारी, इसके अलावा प्रयोगशाला परिचारक हो गया, बाकी और भी जो कोर्सेस हैं व्यापम पीएससी के, वे सभी अवेलेबल हैं। इन सभी के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप करके नंबर है 7470960094, इस पे केवल आपको व्हाट्सएप करना है। कॉल करेंगे तो आपका कॉल रिसीव होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन भर कॉल आते रहते हैं। व्हाट्सएप करेंगे, एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको सारी जानकारी जो है प्रदान कर दी जाएगी। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।